सो हेलो एवरीवन एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीएम वर्सेस एमबीए। अब ये जो है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा से रहता है कि कौन सा जो बेटर है, किस में एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं और डिफरेंस मेन जो है वो पीजीडीएम एंड एमबीए में क्या है, तो उसी के बारे में जो कम्प्लीट वीडियो रहेगी। एंड इफ यू न्यू टू द चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पीजीडीएम जो रहता है हमारा दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, वहीं एमबीए जो है वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इन दोनों की हम बात करें ना तो पीजीडीएम जो है ये बहुत ही ज्यादा एक तरीके से ऑटोनोमस रहता है, ऑटोनोमस कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट जो है वो पीजीडीएम करवाते हैं। वहीं पे हम एमबीए की बात करें ये जो है एफिलिएटेड होनी चाहिए, मतलब ये कोई यूनिवर्सिटी ही करवाती है। एग्जाम्पल के तौर में जैसे डी यू है वो अगर उनके पास है तो वो करवा सकते हैं, वहीं पे IIMs जितने भी हैं वो सारे जो है वो MBA करवाते हैं। एंड सेम टाइम जो प्राइवेट में लेकर जाएं तो शारदा यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो है वो MBA करवाती हैं, वो PGDM नहीं करवाती। वहीं हम बात करें PGDM की तो ये बहुत सारे ऑटोनमस कॉलेजेस होते हैं जैसे IIM दिल्ली है, NDIM है दिल्ली में, IBS है गुड़गांव एक्सेट्रा, जो ऑटोनमस जिनका सिर्फ एक ही कोर्स होता है जबकि PGDM है वो जो है वो कराते हैं, वो MBA नहीं होता। वो किसी भी एक मेजर टॉप हेड बॉडी, मतलब उनका कंट्रोल जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता, वो ऑटोनमस बॉडी है। एंड वो बट एक चीज जरूर मैं बताऊं कि जैसे आप PGDM कॉलेज में लेते भी हो तो भी जो आप MBA की डिग्री आपको मिल सकती है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज जो है वो एक ऑफर करते हैं कि आप कुछ टेस्ट देके एंड कुछ एक्स्ट्रा फीस देके जो है एक यूनिवर्सिटी का जो कि MBA का टेस्ट होता है वो आप दे सकते हो। तो ऐसा नहीं है कुछ भी कि आप PGDM कॉलेज में लोगे तो आप MBA को की आपको डिग्री नहीं मिलेगी। सो अब हम बात करें PGDM जो है वो बिल्कुल एक डिप्लोमा कोर्स होता है, वो डिग्री कोर्स नहीं होता, बट इट इज इक्विवेलेंट टू डिग्री। तो अगर कहीं भी अगर रिक्वायरमेंट आती है MBA की तो PGDM से भी आप दे सकते हो। हालांकि एक चीज जरूर है कि अभी तक जो है मोस्टली गवर्नमेंट में जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वहां पे PGDM को नहीं कंसिडर करा जाता, रीजन बींग वहां पे गवर्नमेंट में MBA ही कंसिडर होती है, वहां पे डिग्री ही चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद आ जाए कि मोर कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, तो PGDM जो रहता है वो रेगुलरली बहुत ही ज्यादा जो अपडेट होता रहता है वो इंडस्ट्री वाइज चलता है एंड जो भी ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से चलता है, बिकॉज सारे ऑटोनोमस कॉलेजेस के अपने अपने जो है वो करिकुलम होते हैं। हर कॉलेज जो PGDM को होता है उनका एक अलग करिकुलम होता है कंपेयरिंग टू यूनिवर्सिटीज, तो इसीलिए MBA के जो कोर्स स्ट्रक्चर होता है वो ज्यादा जो है काइंड ऑफ आउटडेटेड होता है, थोड़ा ज्यादा जो वो थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करा जाता है। वही कंपेयरिंग अगर हम PGDM करो तो वो ट्रेंड के साथ चलता है, वो अपडेटेड कोर्स होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। एक और चीज जो है PGDM का जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के अराउंड जो है वो ज्यादा होता है, उसमें सर्टिफिकेशंस आपको काफी ज्यादा कराए जाते हैं, वहीं पे MBA में उतने ज्यादा सर्टिफिकेशंस जो है वो नहीं कराए जाते। हालांकि MBA का कोर जो है मतलब आपका थ्योरी पार्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फंडामेंटल जो है MBA में काफी अच्छे से क्लियर होते हैं, बट प्रैक्टिकल की बात करें तो PGDM में प्रैक्टिकल जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर होते हैं। प्लेसमेंट्स की बात करें तो हालांकि बहुत ज्यादा सिमिलर मैं नहीं कहूंगा बिल्कुल भी, बिकॉज MBA जो है, अब MBA की हम बात करें तो IIM से जितने भी निकले हैं वो PGDM से बेटर होते हैं उनके पैकेजेस, बट उनके अलावा अगर हम शारदा यूनिवर्सिटी या एमिटी यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें जो MBA प्रोवाइड कर रही है उनके पैकेज उस लेवल के नहीं होते। बट PGDM की हम बात करें तो ऑन एन एवरेज PGDM के जो पैकेजेस हैं कंसिस्टेंटली हाई होते हैं MBA से एज कम्पेयर टू, बट उसमें भी एक कैच है कि PGDM बहुत सारे कॉलेजेस कराता है, मतलब PGDM के कॉलेजेस बहुत सारे हैं, सिंगल कॉलेजेस ऑटोनोमस बॉडीज, उसकी वजह से काफी कॉलेजेस के ऐसे कि उनका पैकेज उतना अच्छा नहीं होता। कंपेयरिंग अगर मतलब अगर आप फीस को और उसके हिसाब से लेकर चलो तो PGDM श्योर आपको ज्यादा एक जो है वो बेटर जो है वो पैकेज प्रोवाइड करेगी, वहीं MBA पैकेज जरूर अच्छा प्रोवाइड करेगी बट वो IIM होना चाहिए तभी जो उतना अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है MBA में, बट उसके लिए वही चीज तैयारी वगैरह करनी पड़ती है, बट वो चीज नहीं तो PGDM ओवरऑल प्रोवाइड्स अ बेटर पैकेज। अब हम बात करें उन दोनों में से ऑल अराउंड बेटर कौन सी होती है, अब मेरे हिसाब से मानो तो अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो बिल्कुल आपको कैट की जो है वो तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज IIM से जो MBA रहती है उनकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहती है एंड उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा जो अच्छा रहता है, बट वहीं पे अगर आप उतनी तैयारी नहीं कर सकते एंड यू वांट टू गो फॉर PGDM फ्रॉम कोई मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज से जाना है लाइक प्राइवेट कॉलेज NDIM हो गया, IBS एटसेट्रा, उन सब में अगर जाना है तो बिल्कुल आप उसमें भी जा सकते हो, वो भी MBA के इक्विवेलेंट होती है और अपॉर्चुनिटीज आपको वहां भी जो है वो अच्छी खासी मिल जाएंगी। अब कॉलेजेस के बारे में मैं इनडेप्थ नहीं जाऊंगा बिकॉज इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग और वो मल्टीपल वीडियोज लग जाएंगी। मेन थिंग वॉज कि PGDM जो रहते हैं हमारा डिप्लोमा कोर्स रहता है, MBA जो डिग्री कोर्स रहती है, बट बोथ आर इक्विवेलेंट। PGDM इज मोर फ्लेक्सिबल, मोर ट्रेंडिंग, मतलब ट्रेंड के हिसाब से चलता है, वहीं MBA इज थोड़ा सा
थियोरेटिकल और मतलब उसका कोर स्ट्रक्चर वो ज़्यादा अपडेटेड नहीं होता। और लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।